हेलो एवरीवन, दिस इज श्रद्धा मिश्रा फ्रॉम बेस्ट यूनिक रेसिपीज। टुडे आई एम गोइंग टू शो यू केक शेकर्स एंड केक पॉप रेसिपी। केक पॉप्स एंड केक शेकर्स दोनों ही हमने अपने बर्थडे पे बनाया था, टेबल डेकोरेशन के लिए। मोनोग्राम केक, फ्रोजन थीम केक, दोनों ही हम यूट्यूब में वीडियो डाल चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। लेट्स चेक आउट द रेसिपी नाउ। सबसे पहले हम व्हिप क्रीम लेंगे, 1/4 कप है, ऑलरेडी हम व्हिप करके रखे हुए हैं। एंड हम केक का बेस लेंगे, 250 ग्राम केक का बेस है। देन हम 2 टेबल स्पून मेल्टेड चॉकलेट ऐड करेंगे, सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। केक शेकर का सबसे अच्छा प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं, बिना बिना किसी मोल्ड के, विदाउट मोल्ड हम बना रहे हैं ये केक शेकर। आप वीडियो में देखिए हमने इसको किस तरीके से शेप दिया, फिर हमने स्टिक लगाया। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेटर करेंगे, एटलीस्ट 30 मिनट तो रेफ्रिजरेट करना ही होगा। इसी तरीके से हम अपना सारा केक शेकर रेडी कर लेंगे। 250 ग्राम में एटलीस्ट 3 या 4 to 5 केक शेकर्स हम रेडी किए होंगे, उसी में हम जो हमारे पास मिक्सर रेडी है उसी में हम केक पॉप भी बनाएंगे। केक पॉप का वीडियो ऑलरेडी हम आप लोग के साथ शेयर कर चुके हैं। अब ये मेरा दूसरा केक पॉप का वीडियो है जो कि चॉकलेट फ्लेवर में है। आप वीडियो अच्छे से देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम केक पॉप की रेसिपी दे रहे हैं, राउंड शेप में करके। इसके ऊपर भी हम स्टिक लगाएंगे। अगर आपको स्टिक लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम है तो आप थोड़ी देर बाद, पहले फ्रिज में रखिएगा, फिर थोड़ी देर बाद आप स्टिक लगा सकते हैं। 30 मिनट रेफ्रिजरेट करने के बाद हम केक पॉप को या केक शेकर्स को वाइट चॉकलेट में डिप करेंगे। ये वाइट चॉकलेट हमने डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट किया है, या तो आप माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। हमने अपने कई वीडियो में आपको बताए हैं कि चॉकलेट किस तरीके से मेल्ट किए जाते हैं। हम अब इसके बाद हम इसमें ब्लू कलर का थीम देंगे, तो इसलिए हम फ्रोजन थीम का डेकोरेशन कर रहे हैं, इसीलिए हमने वाइट कलर में, वाइट कलर का जो चॉकलेट है उसमें हमने ब्लू कलर ऐड किया है। सेम इसी तरीके से हमारा केक शेकर्स एंड केक पॉप दोनों हम रेडी करेंगे। इसको फिर हम एटलीस्ट 1 आवर के लिए रेफ्रिजरेट फिर से करेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। आप केक शेकर्स एंड केक पॉप को किसी भी तरीके से डेकोरेशन कर सकते हैं, प्लेन में भी रख सकते हैं, कुछ भी आप थीम दे सकते हैं जैसा कि आपके बर्थडे पे है। क्योंकि मेरा फ्रोजन था थीम था, इसीलिए हमने थोड़ा सा व्हाइट और ब्लू का थीम दिया है। मेरा केक पॉप एंड केक शेकर्स रेडी हो चुका है। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।